बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान को 75 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना, देश को श्रेष्ठ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत के लोकतंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के संविधान की बहुत बड़ी भूमिका रही। हमारे देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे संविधान ने किया है। अब जब संविधान के 75 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, तब हम देशवासियों ने संविधान में निर्दिष्ट कर्तव्य के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है। और जब मैं कर्तव्य की बात करता हूं, तब मैं सिर्फ नागरिकों पर बोझ बनाना नहीं चाहता। कर्तव्य केंद्र सरकार के भी है, कर्तव्य केंद्र सरकार के हम मुलाजिम के भी है, कर्तव्य राज्य सरकारों के भी है, राज्य सरकार के मुलाजिम के है। कर्तव्य हर स्थानीय स्वराज संस्था के है, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, तहसील हो, जिला हो, हर किसी के कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य है। अगर हम सब मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निमित्त बनेंगे। और जब कर्तव्य का पालन होता है तब अधिकारों की रक्षा निहित होती है, उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस भाव को लेकर हम चलेंगे, हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, हमारा सामर्थ्य और बढ़ेगा और हम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को
बहुत नुकसान कर रहा, देश को, लोक राजनीति को। हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज हमने, मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है, एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1,00,000 ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1,00,000 नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता, भाई बहन, चाचा, मामा, मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को, फ्रेश ब्लड 1,00,000, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1,00,000 नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो दल में जाए, उस वो दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बन करके आगे आए, देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1,00,000 ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना है। और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है। और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है, सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं, एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वर्णिम कालखंड है, 2047 विकसित भारत ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथियों, मैं साफ देख रहा हूं, मेरे विचारों में कोई झिझक नहीं है, मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं, 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं 3 गुना काम करूंगा, 3 गुना तेज गति से काम करूंगा, 3 गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो। मेरा हर पल
देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। और इसलिए 24/7 और 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए, मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं, हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को हम संकल्प बनाए, अपने सपनों को जोड़े, अपने पुरुषार्थ को जोड़े और 21वीं सदी जो भारत की सदी है उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहे, उसी सदी में हम विकसित भारत बना के रहे और उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े और स्वतंत्र भारत 75 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है, तब हम कोई कोर कसर न छोड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे जो दायित्व दिया है मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं मेहनत में कभी पीछे नहीं रहूंगा, मैं साहस में कभी कतराता नहीं हूं, मैं चुनौतियों से कभी टकराते से डरता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, मैं आपके भविष्य के लिए जीता हूं, मैं आप भारत माता के उज्जवल भविष्य के लिए जी रहा हूं और उस सपनों को पूरा करने के लिए आज राष्ट्र ध्वज के छाया में, तिरंगे की छाया में दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। इसी के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरा आजादी के पहले के वो दिन, सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वतंत्र संग्राम जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों, गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है, उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व, 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे, एक ही स्वर था, वंदे मातरम, एक ही सपना था भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है, वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज
जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन, अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी, हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं, हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। साथियों, वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली थी। आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। साथियों, विकसित भारत 2047 इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे, और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलित हो, आदिवासी हो, पहाड़ों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोग हैं, हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा, तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं। और मैं जब इन सुझावों को देखता था, मेरा